ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। अब पेट्रोल और डीजल की जो चोरी है उसका एक बड़े राज का खुलासा हुआ और बेचने का उनका तरीका क्या था वो हम आपको बता रहे हैं। ये पार्टिकुलर एक पेट्रोल पंप की है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 7 पेट्रोल पंप में चिप और रिमोट कंट्रोल के जरिए पेट्रोल और डीजल की चोरी का खेल चल रहा था। एसटीएफ ने गुरुवार को जिला प्रशासन, आपूर्ति विभाग, तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और बांट माप तौल विभाग की टीम के साथ मिलकर इन पेट्रोल पंप पर छापे मार के इसका खुलासा किया। सभी पेट्रोल पंपों की मशीनों में तेल चुराने के लिए लगाई गई चिप और इनकी रिमोट बरामद हुए। अभी पेट्रोल पंप पर चोरी कैसे होती थी? पेट्रोल पंप में इस खेल में अमूमन 2 से 3 लोग शामिल रहते थे। इसमें एक पेट्रोल डालता था और दूसरा कैश का बैग लेकर खड़ा रहता था। बैग लेकर खड़े रहने वाला पैसों के साथ ही रिमोट रखता था, मौका मिलते हुए रिमोट दबा देता था। तो कुछ जगह पर इन दोनों के अलावा तीसरा कर्मचारी जेब में रिमोट लेकर खड़ा रहता है। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि ये लोग ग्रीन सर्किट में चिप लगाकर खेल करते थे। कुछ जगह पर एमसीपी और कुछ जगह पैनल में सर्किट लगा था। इन पेट्रोल पंप की मशीनों के अंदर चिप लगी थी जिसे रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता था। तो पंप के कर्मचारी द्वारा रिमोट दबाते ही पाइप से तेल गिरना बंद हो जाता था, लेकिन मशीन के स्क्रीन पर तेल और पैसे का मीटर अपनी रफ्तार से ही चलता रहता था। एसएसपी एसटीएफ अमित पाठक के मुताबिक इस डिवाइस के जरिए पेट्रोल पंप का जो मालिक है हर लीटर पर 5 से 6% ईंधन की चपत लगा देते। औसतन एक पेट्रोल पंप इस चोरी से रोज 40 से 50 हज़ार रुपये और महीने में 12 से 15 लाख रुपए कमा रहा था। और पेट्रोल पंप वाले इन 7 तरीके जो मैं आपको बताने वाला हूँ उन तरीकों से धोखा देते थे। जैसे हमेशा रिजर्व से पहले आप पेट्रोल भरवाइए, जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बहुत कम लोग को पता है कि खाली टैंक में पेट्रोल भरवाने से नुकसान होता है। इसका कारण यह है कि जितना खाली अपना आपका टैंक होगा उतना ही हवा टैंक में मौजूद रहेगी। ऐसे में आप पेट्रोल भरवाते हैं तो हवा के कारण पेट्रोल की मात्रा कम मिलेगी, इसलिए कम से कम टैंक के रिजर्व तक आने का इंतजार नहीं करें, आधा टैंक हमेशा भरा रखें। दूसरी चीज़, डिजिटल मीटर वाले पेट्रोल पंप पर ही आप जाइए, पेट्रोल हमेशा डिजिटल मीटर वाले पंप पर ही भरवाएं। दरअसल पुरानी पेट्रोल पंप मशीनों पर कम पेट्रोल भरे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और आप इसे पकड़ भी नहीं सकते। यही कारण है कि देश में लगातार पुरानी पेट्रोल पंप मशीनों को हटाई जा रही है। बहुत जगह रुक रुक का मीटर चल रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि मीटर कहीं रुक रुक के तो नहीं चल रहा है, तो पेट्रोल जो है फिर आपको कम मिलता है। बार बार रुकने से आपको पेट्रोल का नुकसान होता है, इसलिए अगर किसी पेट्रोल पंप पर ऐसी मशीन है इस मशीन पर पेट्रोल भरवाने से बचे और हो सके तो कंप्लेन भी करें। आप मीटर से नज़र मत उठाएं। अधिकांश लोग जब अपनी कार में पेट्रोल भरवाते हैं तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, इसका फ़ायदा पेट्रोल कर्मी उठाता है, पेट्रोल पंप जो कर्मी है। पेट्रोल भरवाते समय कार से उतरें और मीटर के पास खड़े हो जाएं और सेल्स कर्मी की सारी गतिविधियों को देखें, इससे आपके साथ चीटिंग होने के मौके बेहद कम हो जाते हैं। फिर हमेशा 0 देकर पेट्रोल भराएं। हो सकता है आपको बातों में लगाकर पेट्रोल पंप कर्मी 0 तो दिखाए लेकिन मीटर में आपके द्वारा मांगा गया पेट्रोल का मूल्य नहीं सेट करे। आजकल सभी पेट्रोल पंप पर डिजिटल मीटर होते हैं, तो इनमें आपकी ओर से मांगा गया पेट्रोल फिगर और मूल्य पहले से ही भरा जाता है। इससे पेट्रोल पंप कर्मी की मनमानी और चीटिंग करने की गुंजाइश बेहद कम हो जाती है। पेट्रोल पंप मशीन में 0 फिगर तो आपने देख लिया लेकिन रीडिंग स्टार्ट किस फिगर से हुई? सीधे 10, 15 या 20 से। मीटर की रीडिंग कम से कम 3 से स्टार्ट हो, अगर 3 से ज़्यादा अंक पर जंप हुआ है तो समझो आपका नुकसान भी उतना ही ज़्यादा हुआ है। फिर आप मीटर देखिए कितना तेज भाग रहा है। आपने पेट्रोल ऑर्डर किया और मीटर बेहद तेज चल रहा है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। पेट्रोल पंप कर्मी को मीटर की स्पीड नॉर्मल करने को, हो सकता है कि तेज मीटर चलने से आपकी जेब भी तेजी से कट रही हो। तो धन्यवाद,
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।